हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एसपीडी का ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट का अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, द रिपब्लिक के लेखक कौन है? द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लूटो। वही कहेगा, द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु। द रिपब्लिक के पुस्तक के लेखक आएगा प्लूटो हो जाएगा, और द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक आएगा अरस्तु हो जाएगा। और कम्युनिस्ट मैनुफेस्टा के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, जो कि जर्मनी के थे। तीन नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय रुपये का अब तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? तीन बार। पहली बार हुआ था 1949 में, दूसरा बार 1966 में, तीसरा बार 1991 में। इंडिया बैंक अधिनियम कब लागू हुआ था? 1949 में। आगे देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भूमंडल पर कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है? भूमंडल पर कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध। पाँच नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1901 में। पहली भारतीय थे जो कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। कब दिया गया था? 1913 में। गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में। छः नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हैरी पॉटर के लेखक कौन है? जेके रॉलिंग। आगे देखेंगे, सात नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सात नंबर क्वेश्चन है, आयुर्वेद के महान चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आठ नंबर क्वेश्चन है, सार्स रोग किसके द्वारा फैलता है? विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज किसने किया था? यूनास्की 1892 में, जो कि रूस के थे। जीवाणु की खोज किए थे लेवेनहॉक 1683 में, जो कि हॉलैंड के थे। नौ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नौ नंबर क्वेश्चन है, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑस्किनी। बिपाशा कहेगा, ब्यास का प्राचीन नाम बिपाशा है, और झेलम का प्राचीन नाम कहेगा तो बितस्ता, और रावी का प्राचीन नाम परुषणी। आगे देखेंगे, दस नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, द सोशल कॉन्ट्रेस्ट के लेखक कौन है? रूसो। ग्यारह नंबर है, फुटबॉल का ब्लैक बॉल किसे कहा जाता है? पेले को। बारह नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? 1971 में, 16 दिसंबर 1971 में। मान्यता मिली थी 1974 में। आगे देखेंगे, तेरह नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर में, जो कि बिहार में स्थित है। सोनपुर महाविहार की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल। सोनपुर महाविहार की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल। ए पैसे टू इंडिया के लेखक कौन है? ईएम फोस्टर। वही कहेगा, ए पैसे टू इंग्लैंड के लेखक नीरज सी चौधरी। ए पैसे टू इंडिया कहेगा तो इसमें हो जाएगा विदेश के लेखक ईएम फोस्टर, ए पैसे टू इंग्लैंड कहेगा तो इसमें भारतीय लेखक हो जाएगा नीरज सी चौधरी। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोलकाता नगर का वास्तुकार कौन था? जॉब चार्नक। कब किए थे कोलकाता शहर का गठन? कब किए थे जॉब चार्नक ने? 1690 में। भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब लागू हुआ था? 1949 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सोलह नंबर, सोलह नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। आगे देखेंगे, अठारह नंबर क्वेश्चन, अठारह नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वायुयान के टायर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर, जिनका जन्म हुआ था 1483 में। हुमायूं का जन्म हुआ था, बाबर के बाद हुमायूं आए 1508 में। उसके बाद अकबर है, इनका जन्म हुआ था 1542 में अमरकोट में। आगे देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। आगे देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय सोने में क्या मिलाया जाता है? तांबा। 22 नंबर है, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। 23 नंबर हो जाएगा, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है?
फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रूप में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? कार्ल मार्क्स। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। 26 नंबर है, अंगमारी रोग का संबंध किससे है? अंगमारी रोग का संबंध किससे है? आलू से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर, द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली। 28 नंबर हो जाएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। 29 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को इसमें गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल ओडायर, जिसका हत्या उधम सिंह ने लंदन में जाकर 1940 में कर दिए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के रचनाकार कौन है? द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के रचनाकार सलमान रुश्दी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोनालिसा किसकी कृति है? मोनालिसा किसकी कृति है? लियांड्रो द विंची की। लियांड्रो द विंची। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अ स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के थे। नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। अ स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक नेल्सन मंडेला, केवल द स्ट्रगल कहेगा, द स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोटेस्ट आंदोलन के प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर किंग। प्रोटेस्ट आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मार्टिन लूथर किंग। 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सिंतो धर्म को किस देश के लोग मानते हैं? जापान देश के लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष के लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर किस देश के थे? ऑस्ट्रिया के, जिसकी राजधानी होता है वियना। और मुसोलिनी किस देश के थे? इटली के। मुसोलिनी ने फांसीवाद के प्रवर्तक थे, और नाजीवाद के प्रवर्तक कहेगा तो हिटलर। फांसीवाद के प्रवर्तक मुसोलिनी और नाजीवाद के प्रवर्तक हो जाएगा हिटलर। 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? गुन्नार मेंडल। 39 नंबर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हो जाएगा जुंको तेबई, जो कि 1975 में चढ़ी थी। और पहली महिला कहेगा तो बछेंद्री पाल हो जाएगा, जो कि 1984 में चढ़ी थी। और आरती शाह जो है इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला थी। और प्रथम पुरुष कहेगा तो हो जाएगा मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा मरुस्थल, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? ट्रेवल्स के लेखक कौन है तो जोनाथन स्विफ्ट हो जाएगा। जोनाथन स्विफ्ट लिखे थे गुलिवर्स ट्रेवल्स। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 43 नंबर क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर अवस्थित है? कोलोराडो नदी पे। 44 नंबर क्वेश्चन है, गुड अर्थ के लेखक कौन है? पर्ल एस बॉक। 45 नंबर हो जाएगा, उलान बटोर किस देश की राजधानी है? मंगोलिया की। लेबनान की राजधानी कहेगा तो हो जाएगा बेरूत। मालदीव की राजधानी हो जाएगा माले। नाइजीरिया की राजधानी हो जाएगा अबूजा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दांते। डिवाइन कॉमेडी के लेखक हो जाएगा दांते। डिवाइन लाइफ के पुस्तक के लेखक हो जाएगा शिवानंद। वही कहेगा लाइफ डिवाइन कहेगा तो अरविंद घोष। और मदर पुस्तक के लेखक मैकिस्मा गोर्की। मदर इंडिया कहेगा तो कैथरीन मेवो।
मदर पुस्तक के लेखक हो जाएगा मैं करिश्मा गोर्की, और मदर इंडिया कहेगा तो कैथरीन मेयो। डिवाइन लाइफ के हो जाएगा शिवानंद, लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष, और डिवाइन कॉमेडी के दांते। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला पृष्ठ के पहला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1942 में। वही कहेगा आज़ाद हिंद सरकार के गठन हुआ था 1943 में, सुभाष चंद्र बोस किए थे। दो नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, जो कि ढाका में हुई थी, जिसका नेता थे सलीमुल्लाह खां और आगा खां। तीन नंबर क्वेश्चन हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई? 1815 में। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आगे देखेंगे चार नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान के प्ररूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। प्ररूप समिति गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। पाँच नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निमूर द्वीप कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा छः नंबर कालीबांगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, घग्गर नदी पे राजस्थान। सात नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारत के प्रथम राष्ट्रकवि किसे माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। आधुनिक हिंदी के जनक भी इन्हीं को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आठ नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? पलिहा या तिल्ली को। नौ नंबर हो जाएगा हिमालय किस श्रेणी के पर्वतमाला है? अवलित श्रेणी के। दस नंबर क्वेश्चन हो जाएगा देश में स्टॉक एक्सचेंज को नियमित कौन करता है? सेबी, जिसका स्थापना हुआ था 1988 में, जिसको वैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में, और किस समिति के तहत इसकी स्थापना की गई? तो फेरवानी समिति के तहत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से परिवर्तित करके दिल्ली स्थापित कर दिया गया? उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कब किया गया था? 1912 में। श्वेत विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड रिपन के काल में। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा रुपए नाम के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया? रुपए नाम के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया? शेरशाह सूरी। इनका मकबरा है सासाराम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया? कावेरी नदी पर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया? 1828 में, महाराष्ट्र में। 15 नंबर क्वेश्चन है नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर स्थित है? ओस्लो में। फ्रांस की राजधानी हो जाएगा पेरिस, और पुर्तगाल की राजधानी हो जाएगा लिस्बन। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होता है अनुच्छेद 352 के तहत, वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है 360 के तहत, और राष्ट्रपति शासन लागू होता है अनुच्छेद 356 के तहत। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कब? 1915 में। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 155 के तहत, और कनाडा से लिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पे। कहाँ स्थित है? गुजरात में। 20 नंबर क्वेश्चन है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? श्रीरंगपट्टनम में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन है सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1784 में, बंगाल में। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल का, ये प्रमुख नेता थे। अब काकोरी कांड को नया नाम दे दिया गया ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन, जो कि हुआ था 9 अगस्त 1925 में, और पहली बार मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खां को फांसी दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? विकिरण के द्वारा, संवहन द्वारा, वायुमंडल गर्म होता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लाहौर के किला का निर्माण किसने करवाया था?
अकबर ने, और वही कहेगा आगरा का किला किसने निर्माण करवाया था, अकबर ही। लाहौर और आगरा का किला का निर्माण अकबर करवाया था, और दिल्ली के लाल किला कहेगा निर्माण किसने करवाया था, शाहजहाँ। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया, 1952 में। 26 नंबर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की, 1897 में बेलूर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित करती है 180 डिग्री देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर, मैरिनो किसकी एक नस्ल है, भेड़ की। 29 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर, और चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला, और धारिता का मात्रक होता है फैराडे। 31 नंबर हो जाएगा, यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे, हेनरी ड्रेजियो, जो कि 1826 में गठन किए थे। 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसका वजन होता है 0.6 ग्राम। 33 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है, 71%। 34 नंबर देखेंगे, तमसोमा ज्योति गमय कहाँ से लिया गया है, तमसोमा ज्योति गमय कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से। 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रष्ट रोग का संबंध किस फसल से है, गेहूं से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 36 नंबर, डायलिसिस पर किसे रखा जाता है, किडनी रोगी को। 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कब किया गया, 1839 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे 1828 में, आत्मीय समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय 1815 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब की गई, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब की गई, 1875 में। 39 नंबर हो जाएगा, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है डॉब्सन। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, देवेंद्र राय टैगोर। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। ये जीके रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट बुक है, तो आराम से पढ़ते रहिए, आपको सब याद हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। तो थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।